का चार साल पहले गुरु जी को हमने ज्वाइन किया था. सॉरी मेरा गला थोड़ा सा. मेरे हस्बैंड को सपने में आए थे गुरु जी और उन्होंने उनको दर्शन दिए. और मैं इस कॉन्सर्ट के बारे में सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि ये जो मैं यहाँ आई हूँ, मैं अपनी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं आई हूँ और ना ही मेरा कोई प्लान था कि मैं यहाँ आऊँगी. तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ करके इसके बारे में बताती हूँ कि ये कैसे हुआ. मेरी काफ़ी सारी, मैं सिंगर हूँ तो काफ़ी सारी एल्बम्स मेरी पेंडिंग चल रही हैं, काम ऐसे चल रहे हैं अभी. तो एक दिन मैं बहुत अपसेट सी थी और लास्ट टू लास्ट सैटरडे फ्राइडे की बात है, लास्ट मंथ, मैंने कहा गुरु जी यहाँ इतनी दूर आपने ला के रख दिया है, ना मेरा कोई अपना है यहाँ पर, ना कुछ. मैंने कहा क्या है इतना आइसोलेशन है, कहने को सब है पर अपना कोई नहीं, यू नो. कुछ इमोशनल बहुत हो रही थी और काफ़ी, मतलब कहते हैं ना, दिल से मैं अरदास कर रही थी. मेरा सबकी फैमिली होती है और हमारा कोई नहीं है यहाँ पर और ये है, कुछ हुआ भी था और उससे भी बहुत अपसेट थी. तो गुरु जी के आगे मैंने दिल से अरदास की. तो वो बात हो गई. उसी फ्राइडे को ये सब हुआ और सैटरडे की मॉर्निंग मुझे ड्रीम में आते हैं गुरु जी और एक बेसमेंट है और उसमें वो गुरु जी लेटे हुए हैं और बड़ा बहुत अपसेट वाला वो था और ये कुछ चोला छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और भगवे कपड़े पहने हैं उन्होंने और बहुत बेचैनी सी है और ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ बेसमेंट में बैठे हुए हैं. और मैं जब नीचे जाती हूँ तो मैं देख के एकदम गुरु जी को लेटे हुए देखती हूँ और मैं बहुत रोना शुरू कर देती हूँ. तो गुरु जी उठ के बैठ जाते हैं. मैं जैसे गुरु जी के पास जाती हूँ तो कहते हैं गुरुमुखी पढ़ के सुना, जैसे कोई गीता पढ़ने के लिए बोलता है उस स्टेज में, बिल्कुल वैसा ही माहौल था. मुझे अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं. वो मतलब बहुत बहुत पावरफुल, वो माहौल जो था बहुत ही पावरफुल था. और उन्होंने गुरु जी उठ के बैठ जाते हैं और मुझे कहते हैं कि गुरुवाणी को गुरुमुखी पढ़. मैंने कहा गुरु जी मैंने पंजाबी नहीं आती पढ़नी, गुरुमुखी नहीं आती पढ़नी, तो मैं नहीं पढ़ सकती हूँ. गुरु जी कहते हैं, मैंने कहा अगर हिंदी में होगी तो मैं पढ़ दूंगी. और मैं रो रही हूँ, बहुत रो रही हूँ क्योंकि वो माहौल ही ऐसा है. तो गुरु जी कह रहे हैं कि अच्छा, उठ के बैठ जाते हैं, कहते अच्छा तू किताब ढूंढने लगते, कहते वो तू हिंदी वाली पढ़, हिंदी विच पढ़ के. तो जो वो मुझे देते हैं, एक स्क्रीन सी होती है जिसके मैं सपने में वो पेज पलट रही हूँ, पेज नहीं पलटे जा रहे, वो एक्चुअली मोबाइल की जैसे स्क्रीन होती है, वो मुझे मेरे हाथ में दी और उसके दोनों साइड पे ओंकार का साइन बना हुआ है ब्लू कलर का. तो मैं जब वो पेज पलटती हूँ मुझे वो अक्षर हिंदी दिख रही है पर मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ. मैंने कहा गुरु जी एक तो मैं वैसे चौक हो रही हूँ और आप मुझे कह रहे हैं पढ़ के सुना, मैं मेरे से ये सब नहीं होगा. तो गुरु जी कहते हैं अच्छा तू तो भजन गाती है ना. मैंने कहा हाँ गुरु जी आपने शुरू करवाया है. तो कहते अच्छा ऐसे कर तू मैं भजन गा के सुना दे. मैंने कहा गुरु जी आप ये सब दिखा रहे हो फिर कह रहे हो गा, मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ. आप गुरु जी ने कोई भजन की लाइन्स थी, कहते सिंधी राग का नाम लिया सिंधी भैरवी में कुछ ये भजन है, ये लाइन तू गाए. वो अनफॉर्चुनेटली मैं आई फॉरगॉट दैट, मुझे वो भूल गया भजन कौन सा था क्या था. बट वो बहुत शॉकिंग सी चीज़ थी कि गुरु जी डिमांड कर रहे हैं तू शब्द पढ़. मैंने कहा कि जी मुझे गुरुमुखी नहीं आती, कहते हिंदी में पढ़ मुझे. मैं कहा मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा. कहते तू अच्छा फिर तू भजन गा रही है, तू भजन गा. वहाँ जाके ही वो ड्रीम ख़त्म होता है और गुरु जी फिर लेट जाते हैं, जैसे कि हाँ का ड्यूटी पे लगा दिया कि कल चलो करो. और मैं उठी हूँ तो मैं बेड पे रो ही रही थी, रोती बेड पे रोते रोते उठी हूँ. तो मेरे हस्बैंड के पास मैं गई तो वो कहते क्या हुआ तुझे. मैंने कहा मुझे ऐसे ऐसे बहुत ही शॉकिंग ड्रीम आया, बहुत अजीब सा. तो मैंने फिर इंडिया में भी कई अपने फ्रेंड्स को पूछा कि जब ऐसे कोई ऐसे नज़र आता है तो उसका क्या मतलब होता है क्या नहीं होता है. तो मुझे बहुत अपसेट, बहुत सैड थी. तो मीनवाइल एक आंटी जी का, अभी नाम नहीं बताऊंगी, आंटी का फ़ोन आया मुझे कि ऐसे ऐसे मैसेज आया कि ऐसे ऐसे आरती है कोई, उनके घर में ये सत्संग होने वाला है और उन्होंने शायद वो बात भी करनी है. कुछ भजन देखा था तेरा यूट्यूब में तो उन्होंने बात पहले करके रखी थी शायद. वो कहते तू चली जा. मैंने कहा डेढ़ घंटे का ड्राइव, मैं क्यों जाऊंगी, वो मैं उसको जानती भी नहीं हूँ, मैं क्यों जाऊँ. तो पता नहीं बहुत पावरफुल था वो जैसे जाना. अब मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अपने अंकल को कहा कि चलो चलते हैं. कहते घर के नज़दीक होता है तभी तू 10 बार सोचती है, आज कैसे तू कह रही है कि चलो चलते. मैंने कहा मेरा मूड बहुत खराब हो, बड़ी उदासी सी लग रही है मन में, तो चलो चलते हैं. तो
तो कहते पहले फोन कर लो उनसे, आरती जो भी है उनसे पूछो कि वो ओपन है या कैसे उनका प्राइवेट है, इतनी दूर जाएंगे और होता है क्योंकि प्राइवेट होते हैं इंडिया में मोस्टली होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं वहाँ, तो फिर पूछ के आपको जब तक इनवाइट आता तभी आप जाते हो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने समहाउ आई फाइंड आउट आरती का नंबर, तो आरती वो आरती नहीं थी, कोई और आरती थी, पर उन्होंने बहुत हेल्प की आंटी ने, उन्होंने आरती आंटी ने, और मुझे उनसे आरती का नंबर दे दिया कि उनके घर में है। तो मैंने उनको कॉल किया और जिन आंटी ने मुझे मैसेज भेजा था कि आप जाके मिलो, उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर दिया था, ना मेरे मैसेज देख रही थी और ना कुछ, मुझे ड्यूटी लगा दी कि आपने जाना है वहाँ ज़रूर जाओ, वहाँ सीमा आंटी भी हैं, वो भी हैं, तो शायद आपसे कुछ वो भजन का भी बात करने जा रही। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत उदासी सी हो रही है, मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर आरती को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने उसमें फ़ोन नहीं उठाया, और मैसेज किया मैंने टेक्स्ट, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसे करो उनको टेक्स्ट करो व्हाट्सएप में, आप व्हाट्सएप जल्दी खोलती हैं सारी। तो मैंने व्हाट्सएप में मैसेज किया तो उन्होंने फटाक से आंसर आ गया कि मंजुल आंटी प्लीज या कम यू कैन कम। मैंने पूछा कि प्राइवेट है या उन्होंने कह डू कम, और ये गुरु जी का दरबार है सबके लिए ओपन है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तैयार भी हूँ अब, मतलब जाना बनता है ये चलते। बहुत बारिश हो रही थी उस दिन और हम लोग पहुँच गए डेढ़ घंटा वहाँ पर, अंदर एंटर हुए वहाँ पर बैठे, और मैं जैसे मैंने वो सपना आया हुआ था वो बहुत उदास उसमें थी, तो मैंने वो होस्ट थी खड़ी हुई आरती, तो उनको भी वो अंधेरा अंधेरा ही था जैसे वो लाइट्स कम ही थी, तो मैंने ठीक है अंदर एंटर किए जय गुरु जी करके और मैं उसमें बैठ गई मंदिर में। तो बहुत अच्छा उन्होंने बनाया हुआ था आरती का मंदिर, तो और जो सेंटा क्लॉज का जो कैप था गुरु जी का, उसके ऊपर मुझे पूरे गुरु जी के दर्शन आने शुरू हो गए, पूरा उनकी इमेज दिखनी शुरू होगी। मैंने कहा यहाँ कुछ है ऐसे ही कुछ, तो इतनी देर में वो जो होस्ट आरती मेरे पास आई और कहती आंटी आप अपना सत्संग करोगे आपकी मदर का जो नहीं उन्होंने, मैंने कहा नहीं मुझे मेरा दिल नहीं करना और मेरे अंकल हैं वो करेंगे, उनके सपने में गुरुजी आए थे 4 साल पहले इसलिए हम यहाँ आए, मैं वो कर देंगे सारा जो ये सच। फिर मैंने रियलाइज किया ओ माई गॉड गुरुजी मैंने ये क्या कर दिया, मैंने मना क्यों कर दिया, मैं कभी सत्संग के लिए मना नहीं करती हूँ, बहुत हमेशा माइक लेके बोलने के लिए रेडी रहती हूँ। मैंने कहा ये क्या हो गया आज, मैंने चलो ठीक है जो गुरु जी की इच्छा। तो एक्चुअली जब भी मेरे हस्बैंड जो सत्संग करते हैं वो हमेशा अपने, क्योंकि उनके सपने में गुरु जी आए थे उनको, उन्होंने ही गुरु जी को देखा भी नहीं हुआ था, सपने में दर्शन दिए थे उनको, और ये जब बड़े मंदिर पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि यही तो है गुरु जी, यही तो मेरे सपने में आए थे। तो खैर मैंने मेरे हस्बैंड ने वो सत्संग करना शुरू कर दिया, और जैसे उन्होंने बताया कि अपनी कंपनी का नाम और अपना काम कि मैं इंस्ट्रूमेंट बनाता हूँ ऐसे ऐसे मैं, तो इतनी देर में वो होस्ट जो थी मेरे पास आ गई और मेरे शोल्डर पे हाथ रख के कहती कि आप इंडिया से हो, मैंने कहा आप दिल्ली से हो, आप जो हमारी कंपनी का नाम लेके रिखी राम से हो, मैंने कहा हाँ, कहती आप प्रार्थना मासी की बेटी हो, मैंने कहा क्या, कहती आप प्रार्थना मासी, कहती मैं आरती। जब मैंने देखा फिर वो इमोशनल हमारा जो शुरू हुआ, मतलब सेम डे गुरुजी ने मुझे मेरी सिस्टर से मिला दिया, सास सुंदर पार जो इतने सालों के बाद इफेक्ट के लिए आई हुई है, ये सीता और गीता का मिलन है। ओह माय गॉड, तो गुरुजी इतने पावरफुल हैं कि 3 साल तक मुझे इसका कोई पता नहीं चला कि मेरी बहन भी रहती है। जिस दिन मैंने दिल से रो के कहा कि मेरा कोई भी नहीं है यहाँ, गुरुजी ने कहा हाँ चल तुझे ले चलते हैं, तेरी बहन से भी मिलाते हैं, और प्लस जो ये सत्संग कर रही हूँ मैं ये कॉन्सर्ट के बारे में, तो इसका भी सेम डे उसी टाइम सीमा आंटी मुझे मिल गई वहाँ पर, और सीमा आंटी ने हाथ पकड़ा और लॉन्ड्री रूम में ले गई कि बहुत हल्ला हो रहा है इधर आ जा अंदर आ जा बात करनी है, और तू ना अच्छा, मैंने कहा आंटी क्या, तो कहती कि तूने शब्द करनी है शब्द। मैंने तो सपने में भी गुरु जी को मना कर दिया, शब्द बहुत मुश्किल होते हैं, शब्द कैसे, कहते नहीं तूने करने हैं 1.5 घंटा करने हैं। मैंने कहा आंटी 45 मिनट कर लो, कहती नहीं 1.5 घंटा करने हैं तूने शब्द करने हैं। मैं वो बिल्कुल जैसे गुरु जी बोल रहे थे आंटी का पूरा वैसे ही लग रहा था कि नहीं तूने वो शब्द। मैंने कहा क्या हो रहा है, मैं तो बिल्कुल मैसमराइज हो क्या रहा है मेरे साथ ही। तो मैंने कहा आंटी ठीक है मैं कोशिश करूँगी। फिर पूरा 1 महीना मुझे, क्योंकि शब्द बहुत मुश्किल होते हैं, आप अगर पंजाबी वो पूरी आपको नहीं आती है तो इट्स वेरी टफ टू लर्न उच्चारण उसका,
और बहुत अगर गलत करती हूँ तो वो गुरुवाणी है, गुरु की वाणी है, तो उसके साथ अब कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते कि यहाँ से कुछ उसको चेंज कर दिया कुछ. तो समहाउ आई वर्क हार्ड और ये मैंने शब्द भी चुने इसमें से, फिर थोड़े भजन मिक्स किए. तो ये कॉन्सर्ट गुरुजी ने खुद ही अपना अपनी तैयारी कहते खुद करवाते हैं. और वो जो दर्शन देते हैं कहते हैं स्वपन सुना था कि गुरुजी के मतलब दर्शन जो तीन तरह के होते हैं, स्वरूप दर्शन, एक जो मंदिर जाप जाते हो वो, और एक जो सपने में आते हैं, और एक आप स्वरूप का देखते हो स्वरूप दर्शन. तो मुझे गुरुजी ने सारे दर्शन करवा दिए एक ही बारी में. जय गुरुजी.